एक बार की बात है, मीरा नाम की एक गरीब लड़की थी। उसकी माँ मीना लोगों के घरों में साफ सफाई करती थी और किसी तरह अपनी बेटी को पाल रही थी। अगले दिन न्यू ईयर था और हर साल की तरह इस बार भी मीरा को कोई उम्मीद नहीं थी कि वह त्योहार मना पाएगी। मीरा की माँ मीना ने देखा कि वह उदास है। बेटी, क्या हुआ, तू इतनी चुप क्यों है, मीना ने पूछा। कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मीरा ने कहा, लेकिन मीना जानती थी कि उसकी बेटी सच में उदास है। तू इस बात से दुखी है कि इस साल भी हम न्यू ईयर पर केक नहीं ला पाएंगे, है ना? मुझे पता है तुम्हें केक बहुत पसंद है, पर मेरी गरीबी के कारण मैं तुम केक दिला नहीं पाती। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, तुम इतनी मेहनत करती हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं उदास नहीं हूँ, मीरा ने जवाब दिया और खेलने के लिए निकल गई। जब मीरा बाहर निकली तो उसके कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। और मीरा, न्यू ईयर की तैयारियां कैसे चल रही हैं? क्या तुमने कहा था कि इस बार नई ड्रेस पहनोगी और बड़ा सा केक काटोगी, उनमें से एक ने कहा। मीरा चुपचाप खड़ी रही, वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसके दोस्तों की बातें सुनकर वो रुआंसी हो गई और वहाँ से चली गई। पास ही एक बड़ा पेड़ था जिसके ऊपर एक दोस्ताना भूत सोमू बैठा था। उसने सब कुछ सुना और मीरा के पीछे पीछे गया। मीरा एक सुनसान जगह जाकर रोने लगी। ये सब मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मैं अब इनके साथ कभी नहीं खेलूंगी, ये सब बहुत बुरे हैं। तभी सोमू ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ बच्ची, क्यों रो रही हो? मीरा सोमू को देखकर डर गई और भागने की कोशिश करने लगी। बचाओ भूत, लेकिन सोमू ने उसे रोका। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे बताओ क्या हुआ। मैंने देखा तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मैंने सारी बात सुनी, मैं तुम्हें केक लाकर दूंगा, सोमू ने कहा। मीरा ने थोड़ी राहत महसूस की और पूछा, क्या सच में आप मुझे केक लाकर दोगे? सोमू ने जादू से वहाँ एक केक प्रकट कर दिया। देखो ये लो असली का केक, अब इसे लेकर अपने घर जाओ और न्यू ईयर मनाओ। मीरा खुश होकर अपने घर की ओर दौड़ी, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि उसके कुछ और दोस्त भी उदास बैठे थे। क्या हुआ, तुम सब इतने उदास क्यों हो, उनमें से एक ने कहा। तुम जानती हो कि हमारे माँ बाप कितने गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वे हमें न्यू ईयर पर कुछ खास दिला सकें। हम इस साल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मीरा को उनकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा और वह वापस सोमू के पास गई। क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई? सोमू ने पूछा। आपने मुझे तो केक दे दिया, लेकिन मेरे जैसे और भी बच्चे हैं जो न्यू ईयर पर उदास है। सोमू ने मीरा की बात सुनी और फिर कहा, बच्चे सच में ही भगवान का रूप होते हैं। ठीक है, इस साल तुम सब बच्चे केक काटोगे। भूत की बात सुन मीरा खुशी खुशी घर चली गई। जब वह घर पहुंची, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखो मेरे पास क्या है। मीरा ने कहा और केक दिखाया। मीना ने हैरानी से पूछा, ये केक कहाँ से मिला, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मीरा ने सारा किस्सा बताया और माँ को खुश कर दिया। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। दोनों बाहर गए और देखा कि सोमू केक का ठेला लेकर आया था। केक ले लो, केक ले लो, मीठे मीठे केक ले लो, आओ और अपना न्यू ईयर खास बनाओ, सोमू ने आवाज लगाई। सभी बच्चे आवाज सुन ठेले के पास खड़े हो गए। कुछ ने पूछा, तुम तो भूत हो, फिर ये केक क्यों बेच रहे हो? ये सुन के सोमू ने कहा, इस साल मैंने सोचा कि सभी बच्चों को एक एक केक गिफ्ट करूं। बताओ कैसा रहेगा? बच्चों ने पूछा, तो हमें इसके पैसे नहीं देने हैं, आप ये केक हमें फ्री में क्यों दे रहे हैं? सोमू ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा था तो मैं भी अपनी गरीबी के कारण छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसता था, पर अब मैं चाहता हूँ कोई भी बच्चा गरीबी के कारण दुखी ना रहे। इसके बाद सोमू ने बच्चों को केक दिया। मीरा भी अपने दोस्तों को केक दिलवाकर खुश थी। जो बच्चे पहले उसे चिढ़ा रहे थे वे भी आए और माफी मांगी। मीरा ने उन्हें भी केक दिलवाया।
मीरा की माँ मीना ये सब देखकर सोमू से बोली, आप कौन हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन आपने इन गरीब बच्चों को बहुत खुशी दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू ने कहा, ये सब मीरा की वजह से हुआ है। उसने मुझसे कहा कि मैं सभी बच्चों के लिए केक लाऊं। फिर मैंने केक का ठेला उठाया और सबको बुलाया। इसके बाद सभी बच्चों ने खुशी खुशी न्यू ईयर मनाया और उस दिन से सोनू हर साल न्यू ईयर पर आकर सभी बच्चों को केक देकर जा